नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नना। पूरे देश में लॉकडाउन के बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना के पीएमसीएच में आग लग गया है। पटना के पीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड में आग लग चुकी है। किस वजह से लगा है कारण का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इमरजेंसी के छत पर ये आग लगा है। आपको बता दें कि इस आग लगने में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भीषण आग लगने के कारण जो थोड़ा बहुत क्षति पहुंची है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से पटना के इमरजेंसी वार्ड में आग लगा है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से सबसे बड़े अस्पताल है बिहार के, और उसमें इमरजेंसी वार्ड में आग लग गया है। वहीं पीएमसीएच के अधीक्षक विनय कारक कह रहे हैं कि अभी इसका पता नहीं चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगा है, और आगे क्या कुछ कह रहे हैं विनय कारक, सुन लीजिए। लगी है सबसे ऊपर छत पर लगी थी, या मरीज सबको बाहर निकाल के रख दिया गया था सुरक्षित। अब सभी जो है सुरक्षित वापस लिए जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो कहाँ आग लगी थी सर? ये सबसे ऊपर छत पर। क्या था ये क्या था ये तो जांच का विषय है, उसको देखेंगे। सर, इसमें किसी चीज़ की क्षति वगैरह भी हुई है क्या? हाँ, ग्रीन एस्बेस्टस तो लगी थी, शॉर्ट सर्किट से लगी थी। हाँ, कोई जान माल की क्षति वगैरह? कोई माल की क्षति ज़्यादा नहीं है, जो तो सौ रुपये उसको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें पटना के अधीक्षक विनय कारक। उन्होंने कहा है कि किसी का इससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इमरजेंसी के छत पर आग लगने की सूचना मिली है। मौके पर फायर ब्रिगेडर की जो टीम थी वो पहुंच चुकी है और आग को काबू में पा लिया गया है, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना से आज बचा है। वो है कि एक तरफ जहां कोरोना से लेकर के पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, दूसरी तरफ एक राजधानी पटना से एक बड़ी दुर्घटना घटने से ये टली है। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।